नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कीटों की समस्या किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है किसानों को, वो ये आती है कि वो कीटों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। तो हम डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन के तहत जो है पंजाब और हरियाणा में पहले खेत पाठशाला लगाते थे, अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, कई ब्लॉग भी बने हैं, ऑनलाइन के साथ साथ व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह पे भी जानकारी दी जाती है। तो ये सेंटर ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक संस्था हैदराबाद में, तो उन्होंने जो नॉन पेस्टिसाइड मैनेज बिना कीटनाशक खेती पे बहुत बड़ा काम किया, लाखों किसानों को सिखाया है जो बिना पेस्टिसाइड के खेती कर रहे हैं। बहुत सारे किसान जो हैं हज़ारों की गिनती में वो ऑर्गेनिक खेती भी कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से ये एक ऐप बनाई गई है, ई कृषि पेस्टोस्कोप। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कीटों की जानकारी कैसे लेनी है, वो बताने के लिए ये वीडियो एक तैयार किया जा रहा है। तो आप अपने गूगल स्टोर में जाके उसमें ऐसे पेस्टोस्कोप टाइप कीजिए, तो नीचे ऐसे लिखा ई कृषि पेस्टोस्कोप आ जाएगा। तो इसको आप उसमें सर्च करेंगे प्ले स्टोर में, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको जो है आप जैसे बाकी ऐप इंस्टॉल करते हैं वो इंस्टॉल कर लीजिए। इसको इंस्टॉल करने के बाद ऐसे आपकी वो ऐप खुल जाएगी, तो ऐसे उसमें दिखेगा। इसमें आप होम पेज पे जाएंगे तो ऐसा बना हुआ आएगा। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारी फसलें जो हैं, सब्जियाँ हैं, इसमें दालें हैं, पैडी का है, वीट का है, तो अलग अलग जो फसलें हैं उनके बारे में इसमें जानकारी है। आप किसी भी फसल पे जहाँ पे आइकॉन बना है क्लिक करेंगे तो उसमें आगे जो है उसकी कीटों की जो जानकारी उसमें उपलब्ध हो जाएगी, और यहाँ पे बीमारियों की भी डिटेल दी हुई है। तो जो आपको समस्या क्या फसल में आ रही है या जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप उसी पे क्लिक कीजिए। जैसे ये एफिड है, चेपा है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आगे इसकी जानकारी है यहाँ पे पूरी की पूरी आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये फ़ोटो भी है उसमें, उसका कंट्रोल कैसे, मैनेजमेंट कैसे करना है, डैमेज के सिम्टम, वो सारी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध होगी। ऐसे ही बाकी फसलें जो हैं, जैसे ये इसी तरह से ये बीमारियों का भी है, जैसे ये पाउडरी मिल्ड्यू है या निमाटोड है, तो उसकी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ऐसे ही अलग अलग विषयों पे इस पे दिया हुआ है, जैसे एनपीएम, एनपीएम का मतलब होता है नॉन पेस्टिसाइडल मैनेजमेंट। तो उसमें जो अलग अलग इसका ज्ञान है जो पूरा, उसके बारे में जानकारी दी हुई है। अब इंग्लिश में है, हो सकता है आगे और भाषा में भी ये उपलब्ध हो जाए। और एक उसमें सबसे बड़ी ऑप्शन ये दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है सेंड क्वेरी विद फ़ोटो। तो इसमें आप फ़ोटो जो है वो आप डिटेल डालिए, जैसे ये मैंने अपना आईडी बना रखा है। जब आप पहली बार ये ऐप जो है उसको खोलेंगे, चलाएंगे, तो उसमें आपकी डिटेल, नाम, ईमेल आईडी, सारी डिटेल जो पूछी जाएगी, कहाँ से हैं आप। तो इसमें जैसे ये मैं अपना, ये मेरा नाम, मैंने जो आईडी बनाया है जो शुरू में पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने पहले इंस्टॉल कर रखी थी इसलिए दोबारा नहीं खोलेगा। तो वो आसान है, आपको स्टेप में वो उसको आपको साइन अप करना है उसमें। तो एक बार साइन अप कर लेंगे तो आपका लॉगिन आईडी बन जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से अपना आप मोबाइल नंबर डालिए, नेक्स्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो फ़ोटो है वो अपलोड करनी है उसको। तो इसमें जैसे दिया ऑटो डिटेक्टेड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसका मतलब ये है कि आपकी जो लोकेशन है, आप कहाँ पे स्थित हो, तो वो सारे का सारा डाटा जो है उसमें वो चला जाएगा। जब ऐप इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पर परमिशन के लिए पूछेगा, तो आपको लोकेशन की परमिशन का वो यस करना रहेगा। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे एनी अदर पे क्लिक करता हूँ, तो आप जो है अगर खेत में खड़े हैं, जो आपको खेत में समस्या आ रही है कि उसका फल है ख़राब हो रहे हैं, या पत्ते हैं, पत्तों पे कोई नुकसान आपको दिख रहा है, चाहे वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो, चाहे वो बीमारी हो, या कीट ने नुकसान किया हो, वो आपको फ़ोटो खींच के उसकी यहाँ पे आप डाल सकते हो। या फिर आपने गैलरी में से, जैसे मैंने ये चूज़ फ्रॉम गैलरी कर दिया है, तो इसमें जैसे ये एक कीट है जिसकी फ़ोटो है,
मैंने वो डाल दिया कि आपको इस कीट के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप फसल दे सकते हैं कि मान लीजिए ये जो कीट है अभी जो फसल लगी हुई है कि आपका कोई भी इसमें फसल जो जैसे रेड ग्राम हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये अभी इंग्लिश में है तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि नाम आपको पता होने चाहिए थोड़ी सी। तो आप उसमें डाल दीजिए कि मान लीजिए रेड ग्राम में ये एक कीट आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी क्वेरी डाल दीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इंसेक्ट एंड व्हाट इट डू टू क्रॉप। तो ऐसे आपको सवाल लिखना है और सबमिट कर देना है। तो ये आपकी जो क्वेरी है वहाँ पे अपलोड हो गई है। तो इसके बाद जो है जो उनके एक्सपर्ट होंगे वो यहाँ पे आप जो है आपके सवाल है उनका वो जवाब दे देंगे। जैसे मैंने अपनी जो क्वेरी लिखी है मैंने उस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे वो क्वेरी आ गई है। तो उसमें एक क्वेरी आई है कि ये इसके बारे में है। तो जैसे और भी यहाँ पे सवाल आए हुए हैं तो टोटल जो है 159 जो है वो उसकी क्वेरीज आ चुकी हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि बहुत से और किसान जिन्होंने इस ऐप को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा कि किस किस क्वेरी में क्या क्या सवाल पूछा गया हुआ है, तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको जैसे आपने यहाँ पे ये देखा है तो किसी भी क्वेरी पे आप यहाँ पे जो प्लस का बटन बना हुआ है वो आप क्लिक करेंगे तो ऐसी डिटेल आपके पास आ जाएगी कि ये क्वेरी भाई उनका नाम होगा, फिर मोबाइल नंबर होगा, किस तारीख को किया है, इमेजेस एंड लोकेशन। जैसे आपको यहाँ पे टैप करेंगे तो जो अगर इमेज डाउन अपलोड की होगी तो यहाँ पे जैसे उन्होंने कुछ इमेज यहाँ पे अपलोड करी है तो वो आपको दिख जाएगा। तो उसके बाद व्यू रिप्लाई करना है आपको, तो यहाँ पे अगर उसका रिप्लाई आ गया होगा तो यह है वहाँ पे रिप्लाई भी आपको जो दिख जाएगा यहाँ पे। सो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। सेंड रिप्लाई में है कि अगर कोई एक्सपर्ट है जिसी को पता हो तो उसका आप यहाँ पे रिप्लाई भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो ऐप है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो आपको यहाँ पे जो जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी यहाँ पे क्रॉप्स में लिस्ट भी यहाँ बनी हुई है। जैसे हम कॉटन की बात कर लें, अभी कॉटन का सीज़न चल रहा है तो उसमें ये सारी की सारी जो उसकी समस्याएं आती हैं चाहे कीट की हो या कोई बीमारी हो तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी उपलब्ध है। जैसे ये भी अमेरिकन बॉलवर्म की बात है तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। सो ऐसे आप जो है अपनी फसलों की जानकारी या सवाल पूछ के इसमें जानकारी जो है वो ले सकते हैं। धन्यवाद।